ग्रुप के सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी भाई? भाई आज आपके लिए एक सूचना है, आप लोगों के लिए भाई है, मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है, जितने भी ग्रुप के एडमिन हैं या जो भी हैं, जो नए कबूतरबाज हैं, पुराने कबूतरबाज हैं, जो मुझे जानते हैं या नहीं जानते, ये सब उनके लिए है भाई। मैं भाई देहरादून से एहसान हूँ, दिल्ली में मेरे को बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से नहीं जानते, कि भाई आप लोगों के लिए वीडियो इसे पूरा देखना भाई, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मेरे साथ घटना घटी, आपके साथ ना घटे घटना, ठीक है भाई? भाई दिल्ली के अंदर एक इरफान नाम का बंदा है, जामा मस्जिद पर रहता है वो, उसको इरफान मोटा के नाम से बोलते हैं। तो भाई वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, ठीक है ना? और भाई कितनों के साथ उसने फ्रॉड कर रखा भाई, कबूतर के पैसे लेता है, कबूतर नहीं बेचता उनके, ठीक है? मेरे साथ भी फ्रॉड कर रखा उसने, ठीक है भाइयों? और मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए एक वीडियो बना रहा हूँ ये, ठीक है ना? और जिन भाई के साथ फ्रॉड यहाँ कर रखा है, एक बेचारा गरीब आदमी है, मेरे मिलने वाले हैं, वे पहले मेरे से मुलाकात हुई थी उनकी, देहरादून में रहते हैं ये भी, उनके भी भाई 4500 रुपये उसने डलवा लिए हैं, लेकिन उनका ना तो फोन रहता है ना ही कबूतर बेचता है। मेरे साथ भी उनने फ्रॉड करा उनने, ठीक है ना? तो मैं तो चलो झेल गया, कोई बात नहीं, लेकिन गरीब आदमी है भाई, वो कैसे झेलेगा? वो बेचारा बहुत दिन से परेशान था, मैंने आज उसको बुला लिया, मैंने कहा भाई तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, और मैं तुम्हारे सलूशन कराता हूँ। तो भाइयों मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उससे कबूतर ना खरीदें, उसका भाई बायकॉट करें ग्रुप से भी, और भाई जितने भी ग्रुप एडमिन है ना, जुबेर भाई, नवाब भाई, डॉक्टर शेखर साहब, और जितने भी ग्रुप चलाते हैं, अनिल भाई हैं नारायणा वाले, सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, उस बंदे को ग्रुप में ना रखें भाई, वो लोगों को ठगता है भाई, लोगों का हक मारता है, ठीक है ना? और बातें वो ऐसी ऐसी करता है कि कितना बड़ा अल्लाह वाला हो, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ऐसी ऐसी बातें करता है भाई, लोगों को फंसाता है और उनके फ़ोन तक नहीं उठाता। आज भाई मेरा, चलो मेरे साथ जो हुआ वो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक किसी भाई के साथ हुआ ना, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए भाई मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। भाई वीडियो पूरी देखना भाई, इसको काटना मत, ठीक है ना? और भाई सब ग्रुपों में सेंड कर देना, जितने भी आपके ग्रुप हों। देखो कोई भी भाई मेहनत के पैसे कमाता है, आजकल कोई हराम के पैसे नहीं लाता है। अब ये जैसा इरफान जैसे लोग ना, जो है ना, उनके बेचारों के पैसे मार लेते हैं, बड़ी मेहनत से शौक, थोड़ा थोड़ा शौक करते हैं। तो भाइयों मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी ग्रुप एडमिन हैं, सबसे भाई उसको बायकॉट करें। और जो भाई, पता है जिस भाई के पैसे उन्होंने मारे 4500 रुपये, उन्होंने डाल दे दो जोड़ों के, सफ़ेद चिट्टों जोड़ों के दो के पैसे डाले तो उन्होंने, और भाई कितनी दूर से आए हैं गर्मी के अंदर, ठीक है ना, साइकिल से आए भाई अपने बच्चे के साथ। ये देखो भाई, लो जी भाई, बताना भाई क्या हो गया आपके साथ, बताओ सबको। मेरा आदाब, सलाम वालेकुम। मैंने 4500 रुपये डाल दिए चिट्टे जोड़ के लियो, तो उन्होंने ना तो मेरे कबूतर भेजे, ना ही मेरा फोन डाले। किसे डाले थे आपने पैसे? इरफान भाई को डाले थे, जम्मा मस्जिद पे रहते हैं वे। अच्छा, तो क्या क्या भाई रहे, कब कब डाले थे आपने पैसे? 9 नवंबर में मैंने पहली तारीख में डाले थे उनके। तो अब क्या वो कबूतर भेजे नहीं भेजे?